हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कभी कभी आप किसी अकाउंट में लॉगिन करते हैं, जैसे जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी सोशल वेबसाइट या ईमेलिंग अकाउंट में आप लॉगिन करते हो, तो कभी कभी आप ब्राउजर का एक फीचर होता है रिमेंबर पासवर्ड, वहाँ पे आप क्लिक कर देते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो पासवर्ड की जगह पे वो एस्ट्रिक्स डिस्प्ले होता है, राइट? और इनके साथ पासवर्ड भूल जाते हो और आपने रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर रखा था, जो विजिबल होता है एस्ट्रिक्स के फॉर्म में, उसे आप रीड करना चाहते हो, तो कैसे आप रीड कर सकते हो, वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रोम को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ मैं gmail.com टाइप करता हूँ, ठीक है? तो जीमेल के बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ देख रहे हो, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट? इसमें किसी अकाउंट में मैंने रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर रखा है, इसको सेलेक्ट करके मैं इजीली लॉगिन हो जाता हूँ। या क्योंकि एस्ट्रिक्स पासवर्ड इसलिए दिख रहा था कि रिमेंबर पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर रखा था, फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, तो इसीलिए इजीली मैं लॉगिन कर गया अपने अकाउंट में, राइट? आप जीमेल पे आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, जीमेल अकाउंट पे होना चाहिए था, सॉरी, आई डोंट नो क्यों नहीं लॉगिन हुआ। फिर से ट्राई करते हैं, पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया और मैं क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो जीमेल लोड रहा है। यहाँ मैं लॉगिन करके मैं अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसे लॉग आउट कर लेता हूँ। फिर मैं लेट्स से कि मैं दूसरे अकाउंट, जैसे ये है kishan.cs2018@gmail.com, लेट्स से कि इसमें रिमेंबर पासवर्ड पे मैं क्लिक करा होता तो यहाँ पासवर्ड कुछ ऐसे रहता, राइट? ऐसे डिस्प्ले होता, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारे अकाउंट्स है जिसमें ये फीचर नहीं रहता है, जैसे यहाँ किया दिख गया, राइट? लेकिन किसी किसी में, जैसे फेसबुक में आप जाओ तो नहीं रहेगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ कि आपको ये बताने वाला हूँ, ऐसे स्थितियों में लेट्स से कि आपने रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करा होता और पासवर्ड कुछ ऐसा दिखा होता तो इसे कैसे रीड कर सकते हैं, इनकेस ये फीचर नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है और एक कुछ HTML कोड आएंगे मिलेगा, या इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड होगा, राइट? तो पासवर्ड के जगह पे आपको 3 times P प्रिंट करने, P, और फिर आपको फोकस कर्सर यहाँ लाना है तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ये ट्रिक बहुत सारे वेबसाइट पर आपको काम करेगा। जैसे लेट्स गो टू द facebook.com, हम facebook.com पे जाते हैं, ठीक है? और लेट्स से कि ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, इसे आपको रीड करना है, तो यहाँ पे वो फीचर नहीं है जो आपको पासवर्ड रीडेबल फॉर्मेट में दिखा दे, राइट? तो मैं पासवर्ड रॉन्ग यहाँ टाइप करता हूँ क्योंकि ओरिजिनल पासवर्ड मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स से ये पासवर्ड होता, अब मुझे इसे रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पर कर्सर लाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा, फिर से यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है, राइट? तो यहाँ पे 3 times मैं पी प्रिंट करूँगा और उसके बाद जैसे ही यहाँ फोकस यहाँ करूँगा तो पासवर्ड दिख गया, आप देख सकते हो ये पासवर्ड विजिबल हो जाता है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक इवन ट्विटर पर भी ऑफ कोर्स काम करेगा, मोस्टली वेबसाइट पर काम करेगा। तो ये बताने का मेरा एक ही मकसद था कि इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो खुद का पासवर्ड कैसे आप रीड कर सकते हो, इसका मिसयूज नहीं करने का, ठीक है? किसी का पासवर्ड को आप चुराने की कोशिश मत करना, ठीक है? मिस यूज नहीं करना, ये नॉलेज मैं इस पर्पज़ से दिया हूँ कि आपका खुद का पासवर्ड को कैसे रिट्राइव कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें वो पूछते हैं, कभी कभी आप भूल जाते हो, ठीक है? तो रिमेंबर पासवर्ड पर आपने क्लिक किया, यूजुअली आपके पर्सनल कंप्यूटर है या मोबाइल हो तो यूजुअली हमारी आदत होती है कि रिमेंबर पासवर्ड पर हम चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रिक्स के फॉर्मेट में वो दिखाई देगा और इस तरह से आप पासवर्ड इजीली रिट्राइव कर सकते हो और रीडेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हो। तो बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।